Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I myself, Sayyid Ahmed Ali Shah. Today, जो मेरा topic है, मैं आज आपको trick बताने वाला हूँ. ठीक है? वो trick मैंने ली है matrices के chapter में से. अगर आपको कोई matrix मिली हो, वो 2x2 हो, 2x2 की matrix हो, उसके all element zero हो, except main diagonal. तो आप उसका ए स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं. और दूसरी, अगर आपको मैट्रिक्स मिली हो 2x2 की और उसके जो आठ एलिमेंट हैं वो सेम है, मीन्स 1-1, 2-2 ऐसे हैं, 3-3, तो उसका आप ए स्क्वायर किस तरह जल्दी में किस तरह से निकालेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ. अगर ये सवाल एंट्री में आ जाए तो आपको जल्दी किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है? आयटा स्क्वायर 0, 0 आयटा स्क्वायर. मैंने क्या कहा, ये मेन डायगोनल के मेन डायगोनल है, ठीक है? जो दूसरे एलिमेंट थे वो 0 है. अगर आपको ये कहता है इफ ये मैट्रिक्स ए इज के, तो आप ए स्क्वायर फाइंड करें. ए स्क्वायर आप किस तरह से फाइंड करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है. जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उनको स्क्वायर करें, ठीक है? किस तरह से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मीन ए इंटू ए आयटा स्क्वायर 0, 0 आयटा स्क्वायर, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा, आंसर -1, 0, 0 -1. जल्दी मैं आपने ये कर लिया. किस तरह से, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जो अगर आपको रो मैट्रिक्स मिली हो 2x2 की, दूसरे सारे एलिमेंट 0 हो एक्सेप्ट मेन डायगोनल, ठीक है? तो उसका ए स्क्वायर आप किस तरह से फाइंड करेंगे सिंपली जो आपको मेन डायगोनल में एलिमेंट मिले हैं उनको ए स्क्वायर करें, स्क्वायर 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 -1, -1, ठीक है? तो आप इस तरह से साथ में, अगर दूसरे एलिमेंट मिले हो तो उनको सिर्फ स्क्वायर 2 है, तो 4, 4 इस तरह से, पर ये सेम हो, ठीक है? दूसरी टिप जो है, वो है इफ मैट्रिक्स ए 1, 1, 1, 1, ओके, तो देन फाइंड ए स्क्वायर, ठीक है? तो किस तरह से फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपको मिली हुई है ना, ए स्क्वायर अगर फाइंड करना चाहें तो सिंपली इसको 2 से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर का जवाब आ जाएगा. किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो 2, 2, 2 एंड 2, ठीक है? ये तो अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स मिली हो उसका ए स्क्वायर आप किस तरह से साफ करेंगे, मैं आपको ए पावर एन बात बताने वाला हूँ कि ए पावर अगर एन हो तो फिर आप इस मैट्रिक्स को किस तरह से साल्व करें. चलिए देखें, अगर यहाँ पर हो ए पावर एन, तो आप करेंगे इससे साल्व, ए पावर एन इज इक्वल 2 पावर n-1 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1, 1, 1, 1, ठीक है? यहाँ पर मैंने स्क्वायर दिया था, तो आपने किस तरह सॉल्व किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर 2-1, 1, 1, 1, 1, ठीक है? तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अगर 2-1 गया 1, 1, 2 पावर 1, 2, ठीक है? 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2, 2, 2, 2, ठीक है? तो ये मेरी दोनों ट्रिक थी. इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो जो मेरी है जल्दी पहुंच जाए. खुदा हाफिज़.